नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य के अगले सीएम चेहरे को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दे दिए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी का वरिष्ठ नेतृत्व जो भी फैसला करेगा वह उनको मंजूर होगा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोग पूछ रहे हैं हम जीत कर आए फिर भी सरकार बनाने का फैसला कहाँ अटका है। शिंदे ने कहा कि कल मोदी जी से फोन पर बात हुई थी, मैंने उनसे कहा कि नई सरकार बनाने में मेरी ओर से कोई दिक्कत या समस्या खड़ी नहीं की जाएगी, मेरे मन में सीएम पद की लालसा नहीं है, जो फैसला आप लेंगे वो मुझे मंजूर होगा। मेरे बारे में ना सोचते हुए महाराष्ट्र की जनता और राज्य के बारे में सोचें। बिहार विधानसभा में विपक्षी सदस्यों ने बुधवार को सदन के बीचों बीच आकर केंद्र द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस विवादास्पद मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की भी मांग की। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने सदस्यों से बार बार अनुरोध किया कि वे अपनी सीटों पर वापस लौट जाएं और समझें कि यह ऐसा मामला है जिसका फैसला राज्य स्तर पर नहीं किया जा सकता। वहीं उप मुख्यमंत्री और पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से कहा कि वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, इसका विरोध हमने संसद में भी किया, विधानसभा में भी कर रहे हैं और सड़कों पर भी करेंगे, हम किसी भी हालत में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सनातन धर्म रक्षा बोर्ड के गठन की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वह अधिकारियों को ऐसा बोर्ड गठित करने का निर्देश नहीं दे सकती क्योंकि यह मुद्दा नीतिगत दायरे में आता है और याचिकाकर्ता से कहा कि वह इसके बजाय सरकार से संपर्क करें। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि आपको सरकार के पास जाना होगा, हम ऐसा नहीं करते, वे यानी सांसद इसे संसद में उठाएंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम यह नहीं कह सकते कि ट्रस्ट बनाओ। बांग्लादेश की ढाका पुलिस द्वारा इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शिवेंदु अधिकारी सहित भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग तक विरोध मार्च निकाला। इस्कॉन ने अपने प्रमुख समुदाय के नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की हाल ही में हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है और बांग्लादेश के अधिकारियों से देश में हिंदुओं के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। मंगलवार को एक बयान में इस्कॉन बांग्लादेश के महासचिव चारू चंद्र दास ब्रह्मचारी ने कहा कि हम अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और चिन्मय कृष्ण दास की हाल ही में हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हैं। हम बांग्लादेश के विभिन्न क्षेत्रों में सनातनियों के खिलाफ बाद में हुई हिंसा और हमलों की भी निंदा करते हैं। आपको बता दें कि चिन्मय दास बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण चौथे के प्रवक्ता को सोमवार को ढाका के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया जब वह एक रैली में शामिल होने के लिए चटगांव जाने वाले थे। इसके बाद उन्हें मंगलवार को राजद्रोह के एक मामले में चटगांव की छठी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 26 नवंबर को एक दलित युवक की बोरवेल से पानी लेने के विवाद में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना मंगलवार को शिवपुरी के सुभाषपुरा थाना के इंदरगढ़ गांव में घटित हुई। घटना का वीडियो बुधवार सुबह से ही इंटरनेट पर वायरल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्वालियर के तोरार गांव के निवासी 28 साल के नारद जाटव अपने भाई के साथ अपने मामा के गांव इंदरगढ़ गए थे जहां मंगलवार सुबह खेत में बोरवेल से सिंचाई के लिए पानी लगाने की बात पर गाँव के सरपंच पदम धाकड़ और उनके परिवार के लोगों और युवक के बीच विवाद हो गया जिसके बाद सरपंच और उसके परिवार वालों ने कथित तौर पर नारद की पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धाराओं समेत SC ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया है।
दलित युवक की मौत के मामले में सुभाषपुरा थाना प्रभारी राजीव तूबे ने पत्रकारों को बताया कि इस मामले में मृतक के परिजनों की शिकायत पर 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल अभियुक्त फरार है, लेकिन जल्द ही गिरफ्तारी होगी। नारद के छोटे भाई राजकुमार जाटव की शिकायत के आधार पर दर्ज पुलिस FIR के मुताबिक नारद के मामा के परिवार को सरपंच पदम का लड़का निक्की उर्फ अवधेश ठाकड़ खेत पर लगे पोर से नल कनेक्शन नहीं लगाने दे रहा था। थोड़ी देर बाद नारद जाटव, मामा का लड़का रामवीर, मामी रचना और रवीना जाटव सरपंच पदम ठाकड़ के घर के पीछे खेत पर बने पोर पर गए। सरपंच ने पोर को हाथ लगाने से मना किया, जिस पर नारद जाटव और उनके साथ कई लोगों ने कहा कि पोर में उनका भी पैसा लगा है और उन्होंने पोर में कनेक्शन देने की बात कही। FIR के मुताबिक नारद और उनके परिवार ने जब पोरवेल से पानी ले जाने की कोशिश की तो सरपंच ने उनके परिवार को गंदी गालियां दी और जान से मारने की नीयत से नारद जाटव के साथ मारपीट शुरू कर दी। गुजरात के बल्लेबाज उर्विल पटेल सबसे तेज T20 शतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने त्रिपुरा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में यह कारनामा किया। उर्विल ने अपनी पारी में 12 छक्के मारे और 28 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय क्रिकेटरों में T20 में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम था। पंत ने 2018 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दिल्ली की ओर से खेलते हुए 32 गेंदों पर शतक लगाया था। वहीं उर्विल पटेल ने 35 गेंदों में नाबाद 113 रन बनाए। अडानी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की ओर से लगातार नारेबाजी के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया और दोपहर 12 बजे जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो अडानी समूह से जुड़े मामले तथा उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के मुद्दे को लेकर हंगामा लगातार जारी रहा, जिसके कारण सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगन के बाद शुरू होते ही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही बता दें कि संसद की कार्यवाही पिछले 2 दिनों से बाधित हो रही है, क्योंकि विपक्ष अडानी मामले पर लगातार बहस की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। अडानी समूह द्वारा आरोपों से इनकार किए जाने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडानी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है वे आरोपों से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने कहा है, सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और महाशय पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपए का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है। वहीं शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि अगर हमें इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं है तो इसका क्या मतलब है, देश को लूटा जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस, केन्या और अन्य देश इस उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देश में खुली छूट दी गई है। तमिलनाडु में भारी बारिश की आशंका के चलते कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने चेन्नई और आसपास के जिलों में स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में बना दबाव गहरा गया और बुधवार को यह दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा और यह चक्रवात का रूप ले सकता है। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु और आसपास बारिश गुरुवार तक जारी रह सकती है। फिलहाल चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को समंदर के अंदर जाने से मना किया है। कम से कम 2 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश अगले शुक्रवार तक जारी रह सकती है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक HR गवियप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से फंड की कमी का हवाला देते हुए कुछ चुनावी गारंटियों को रद्द करने के लिए कहा था, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कोई भी विधायक अतिरिक्त निधि की मांग कर रहा है या अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निधि की मांग कर रहा है तो यह गलत नहीं है। इसलिए HR गवियप्पा गलत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने गारंटी के बारे में अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की है। राज्य गृह मंत्री ने कहा कि हमने राज्य के लोगों से वादा किया है कि हम ये गारंटी देंगे,
इसलिए हम उन गारंटियों को लागू कर रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हट सकते। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मौलाना गुलाम रसूल पलियावी और हर्षवर्धन सिंह को तत्काल प्रभाव से जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में भारतीय मूल के जय भट्टाचार्य को शीर्ष प्रशासनिक पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। जय भट्टाचार्य कोविड के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के विरोधी थे। ट्रंप ने उन्हें अमेरिका के मुख्य सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के अगले डायरेक्टर के पद के लिए नामित किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षित फिजिशियन और अर्थशास्त्री को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की जिम्मेदारी के लिए चुना है। आपको बता दें कि NIH दुनिया की सरकारी फंड पर चलने वाली सबसे बड़ी बायोमेडिकल रिसर्च संस्था है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।